खाएगा बहुत नहीं, वेरी लेस कैलोरी, लेस कैलोरी सर, खा ले खा ले। यार ये उठने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट उठना तो पड़ेगा बिकॉज सुबह हो गई। मामू वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मुझे इस रामखोर ने उठाया बिकॉज मैं अभी पुणे में आया हूँ विद वसीम। तो पुणे आने का रीजन एक कोलैब है ऐसे खास इंसान के साथ जो जिशान की बॉडी के लिए जिम्मेदार है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। सॉरी, बॉडी का जिम्मेदार तो खुद है और उसके माँ बाप है। 135 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस, आई एम नॉट एक्जैक्टली इन साइड पुणे सिटी। पुणे सिटी के लिए 155 किलोमीटर आ रहा था, सो अभी भी 20 किलोमीटर दूर है पुणे सिटी। स्टेइंग इन दिस क्लब 29 होटल, जो कि अच्छा खासा होटल है। इसमें क्लब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिम स्विमिंग पूल सब है। कॉफी थैंक यू वसीम। वसीम किधर? अंदर। अंदर क्या तेरे को जा, देखो बाथरूम में कुछ जाना है। क्या अच्छा है, पूरा जंगल दिखता है इधर खाली। वो जंगल नहीं है, वो एक खाली प्लॉट है, क्या बिल्डिंग बन सकती है। So this guy is Jeet Salal, he's Zishan's trainer, he's an entrepreneur, fitness coach and also a YouTuber. Hello sir. Hello, nice to meet you. Finally after a very long time. अगर आपको कुछ भी फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक ऑफ हिज चैनल विल बी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो जीत भाई कुछ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, इंडिया में कैसे आए और सब कुछ। सबसे पहले कसा का है मुंबई एंड हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह, गेम जो सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, आदाब, कंटिन्यू। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल लिटिल हिल स्टेशन है कॉल्ड पिथौरागढ़, नैनीताल से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। बचपन वहीं बीता मेरा, उसके बाद मैं, मुझे भी जाना है वहाँ। हाँ, उसके बाद जो है मैं पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा बाहर गया यूके, थोड़ी पढ़ाई करी वहाँ पे स्पोर्ट्स की, न्यूट्रिशन की, साइंस की। उसके बाद फिर मेलबर्न में इस वक्त मैं वहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि इंडिया आना पड़ा और एक मिशन के लिए हमें काम कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ ड्रग फ्री इंडिया मिशन। निखिल भाई को पता है कि क्या कर रहे हैं। जैसे मुझे जिशान ने बोला कि ही इज़ हियर फॉर ड्रग फ्री इंडिया, मैंने बोला बॉस ये चीज तो प्रमोट करना बनता है, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं सबको क्विक चाहिए सर, फटाक से लड़की पटना है, फटाक से पढ़ाई करना है, और बॉडी बनाने के लिए तो लोग गलत रास्ता अपनाते हैं। बॉडी बिल्डिंग लाइन में नहीं हूँ मैं, बट आई डू माई बेस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट, ऑल दो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट जिशान को देख के मुझे मोटिवेशन मिला है, बिकॉज अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं थोड़ा बहुत इसका 40% तो कर सकता हूँ। आप फिटनेस में हो या नहीं हो, आपको बॉडी बिल्डर बनना है नहीं बनना है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बार जीत भाई का चैनल चेकआउट कर लेना, मुझे पता है किसी ना किसी के दोस्त तो होते हैं जो फिटनेस में होते हैं, क्या पता आप कुछ ऐसा सीख जाओ जो आप अपने दोस्त के सामने ब्रैग कर सको। ड्रग फ्री इंडिया बहुत ही ज़रूरी है, एंड आई एम सो प्राउड दैट वी हैव पीपल लाइक जीत सलाल जो आके यहाँ पर कैंपेन फैला रहे हैं। और मुझे जिशान ने ये तक बोला कि काफ़ी लोग इसका अगेंस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीजों को अगेंस्ट लोग करते रहते हैं। मैं और जीत भाई थोड़ा वर्कआउट करेंगे। जीत भाई आपको क्या लगता है, मेरी बॉडी इतनी भी अच्छी नहीं है बट कैसा हो? नहीं नहीं, गुड फ्रेम, गुड फ्रेम, गुड फ्रेम, बस थोड़ी सी हेल्थ के लिए थोड़े हैबिट्स थोड़ा सा क्लियर करनी पड़ेगी चीजें, बाकी सब। वो क्या ना जीत भाई, थोड़ा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता है, वो कमेंट पढ़ते हो टेंशन आता है, भाई कमेंट पढ़ लिया, भाई जल्दी से चॉकलेट ला, रात को जब एडिटिंग ठीक से नहीं होती तो मम्मी मेरे को जल्दी से दाल चावल दो यार, थोड़ा वो टेंशन क्या करे यार, यूट्यूबर बनने का थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है। बट देन नाउ आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट। वो क्या जरा अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही है विच डिमांड्स माई हेल्थ एंड माई बॉडी टू बी इन गुड शेप। सो जीत भाई आज थोड़ा बहुत मुझे वर्कआउट कराएंगे, मुझे थोड़ा डर लगता है ऐसे लोगों के सामने वर्कआउट करने के लिए, लेकिन करेंगे। आज क्या करेंगे जिशान? आज करेंगे आर्म्स और ट्राइसेप्स। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स? बाइसेप्स। दिस इज व्हाट यू वांट? सॉरी, बाइसेप्स। पहले कॉफी मारते हैं, क्या बोलते हैं जीत भाई? थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि निखिल को थोड़े से न्यूट्रिशन के टिप्स दे पाऊं, ताकि जो क्रेविंग्स होगी रात को एडिटिंग करते हुए वो कम हो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बेस्ट है यार मुझे, है ना। तो आज अपन आए जिम करेंगे वर्कआउट, और वर्कआउट में कर रहे हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज जीत सर के साथ वर्कआउट करने का मौका मिल रहा था, जो भी गलतियाँ होती है वो आज नहीं होंगी। सो लेट्स सी, लाइटिंग भी अच्छी कैसी हो, जिम भी बहुत अच्छा है ना? हाँ काफ़ी अच्छा है।
हो गया वर्कआउट फाइनली डन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा वाला पंप आया जीत भाई ने, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वर्कआउट सिखाया। अभी जीशान बता रहा है जीत भाई को कि उसका बॉडी की हालत क्या है फिलहाल, राइट नाउ इज़ एट 12.5 बॉडी फैट, 8.5 पे पहुँच गया था ना तू, अभी 12 पे होने के लिए भी बहुत, लुकिंग लाइक आमिर खान फ्रॉम दंगल। और वर्कआउट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खाना, जीशान पी रहा है अपना प्रोटीन शेक, एंड टू माय वेरी गुड लक इस होटल का शेफ शेफ आलोक भाई हमारे सब्सक्राइबर निकले और वो यहाँ पर आ गए और अभी हमारे लिए बनाएंगे कुछ अच्छा वाला खाना, लेकिन उनको पता नहीं था हम यहाँ वर्कआउट करने आ रहे, तो उन्होंने बना दिया केक, बट केक तो खाना बनता है, क्या बोलते हैं जीशान, इतना सा वो दांत पे फंसाने वाला, मेरे को लिटरली चक्कर आ रहे तो भाई कुछ खाना, हाँ, चलो कुछ खाते हैं अभी, ज्यादा बटर और ऑयल नहीं। अबे हट। खाना खाने के पहले हमको करना पड़ेगा रूम से चेकआउट, वरना 2 दिन का भाड़ा लग जाएगा। और जीशान लाया है मेरे लिए एक सुपर ड्राई का जैकेट, थैंक यू सो मच जीशान, क्या ये मुझे फिट होगा? ओह माय गॉड जीशान, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ये जो जैकेट है ये बेसिकली जीशान का है, बट मैंने जीशान को बोला मुझे एक बार पहन के देखने दे, अगर आएगा तो मैं रख लूंगा, एंड आई एम सो श्योर कि मुझे ये नहीं आने वाला है, बट देन दिस इज लुकिंग रियली नाइस। अगर जैकेट एक्सेल होता है, लार्ज भी होता ना, तो मुझे आ जाता, बट फॉर नाउ आई विल रिमूव इट, बिकॉज अगर मैंने थोड़ा भी स्ट्रेच किया तो ये फट जाएगा, एंड आई डोंट वांट सच अ ब्यूटीफुल जैकेट टू गेट डिस्ट्रॉयड। जीशान प्लीज मेरे लिए भी इसका जुगाड़ करना यार। कर देंगे जरूर। क्या बात है, मैंने शेफ आलोक को बोला मुझे सिर्फ अंडे देना, इन्होंने स्टर फ्राइड वेजिटेबल में अंडे डाल के दे दिए, थैंक यू सर। क्या खाना था बॉस, मजा आ गया, दिमाग में भर भर के डोपामिन के किक्स आ रहे हैं मुझे, और जिनको डोपामिन नहीं मालूम ना, बेसिकली कुछ भी अच्छा करते हो या खाते हो ना, तो आपके दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। क्या बोलते हैं, फिर भी समझ में नहीं तो गूगल करो, गूगल करो बराबर। चलो जीत भाई, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आई होप वी मीट सून। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस मुंबई, जीशान चलाएगा स्विफ्ट और मैं चलाऊंगा ये, आई रियली विश की गाड़ी में होते मस्ती करके जाते, बट चलो कोई नहीं, आई होप हमारा मिलना बहुत जल्दी Absolutely. हो। चलो गाइस, चलो भाई, थैंक यू, आपको मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय द राइड। सही बात, क्या खाएगा ये? हाँ हाँ बनाओ, 50 का बनाओ, वेरी लेस कैलोरी, लेस कैलोरी, खा ले। अभी तुम खा लेंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं लोनावला फूड कोर्ट, जो कि लोनावला के बाद आता है, यहाँ से हमारा घर है 60 किलोमीटर। अभी हम लोग जाएंगे सीसीडी और कॉफ़ी मारेंगे फिर से, क्योंकि उसके पहले खाएंगे मसाला वाला सिंह। आज संडे करके बहुत ज़्यादा रश है और ये सीसीडी खाली है, तो हम लोग यहीं पर बैठ रहे हैं। निशान वन कैपेचिनो। कॉफ़ी पीने के बावजूद पता नहीं क्यों नींद आ रही है, जैसे एक्सप्रेस हाईवे में गाड़ी आई थी ना मेरी, आके ICIC हो गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ रुक के कॉफ़ी मार रहे थे, बट पता तो आ रही नींद अभी नहीं आ रही, पहले बहुत आ रही थी एक्सप्रेस हाईवे, बट कंटाल नहीं आ रहा है ऐसा, वेदर है ना, वेदर इतना लेजी सा है राइट नाउ, इट्स 19 डिग्रीज ओवर हियर, ऐसा मन कर रहा है चादर लूँ सो जाओ आराम करो नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, बट मेरे को आती चलाने तो मैं जरूर चलाता। अरे काश यार, मैं तो मैं ऑडी के पीछे बैठता सो जाता या फिर कुछ ना कुछ करता रहता, बट अभी गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, घर जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं, मैं काम करता हूँ, पवई जाके चिल मारते है ना, चलो अभी सीधा मिलते हैं पवई में, अभी बहुत बोरिंग रास्ता है, और संडे करके जैसे मुंबई एंटर करेंगे जाम ट्रैफिक लगने वाला है, इतनी बोरिंग ड्राइव थी मैं बता नहीं सकता, फॉर्चुनेटली ट्रैफिक थोड़ी कम लगी तो मैनेज हो गया। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मोबाइल पे वीडियो लगा के देखें, लेकिन इट्स नॉट सेफ, तो हम लोग ने देखा नहीं, बिकॉज सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। एनी वेज, अभी हम लोग घर पे आ गए और जीशान और वसीम बेल्जियन वॉफल ऑर्डर करने का सोच रहे, इवन दो जीशान के दाँत में जोरों का दर्द हो ले लाए और जीशान ने दाँत के दर्द की दवाई खा ले लाए, आप दवाई खाने के बाद बेल्जियन वॉफल खाएगा और फिर ड्राइव नहीं कर पाएगा क्योंकि नींद का भपका दिमाग के अंदर घुस जाएगा। एनीवेज, तो आज के लिए बस इतना, इफ यू एंजॉयड दिस रैपचिक वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू जीत सलाल ऑन हिज ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का बटन दबा देना सब्सक्राइब का। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स, समझे कि नहीं समझे, ईट वेल, स्लीप वेल, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। मिलते हैं बाद में। और ये कौन खड़ा है बाहर? नहीं कोई नहीं, नेबर है उसमें। क्या था उसी तो कल मार रहा था, दो दो तीन तीन बार, आज मैंने मारा।